हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता आठवीं। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये एक पोयम है, भाग एक की पहली कविता, आम्ही चालवुहा पुरे वारसा, जिसके कवि हैं जगदीश खेबुड़कर। इनका जन्म 1932 को हुआ था और इनकी डेथ जो है, यानी कि इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। प्रसिद्ध मराठी कवि हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं और मराठी चित्रपट यानी कि मराठी जो मूवीज होती है उसमें इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहे। जो गीत उन्होंने लिखा लोगों को बहुत पसंद आया। त्यांनी सुमारे लगभग उन्होंने कितना 325 से भी ज्यादा मूवीज के लिए गाने लिखे हैं और 25 पटकथा संवाद, 50 लघु कथा, 50 उन्होंने स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, 5 नाटक लिखे हुए हैं, दूरदर्शन मालिका, टेलीफिल्म्स, इन सभी के लिए उन्होंने लेखन किया हुआ, यानी कि टेलीविजन के लिए भी और टेलीफिल्म्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है। गदिमा पुरस्कार, इन्हें कुछ अवार्ड्स मिले जिसका नाम है गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, ऐसे लगभग 60 से भी ज्यादा अवार्ड्स से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब ये जो पोयम है ये हमें क्या मैसेज देता है, चलिए देखते हैं। गुरु च शिकवणी तुन सद्गुण अंगी वणवुन सत्कार्य करने। जो हमें गुरु ने सिखाया, गुरु की जो सीख हमें मिली उससे हम अपने अंदर सद्गुणों को बसाएं और सत्कार्य करें। म्हणजे गुरु ने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। यानी कि गुरु ने जो हमें वारसा, जो ट्रेडिशन हमें दिया है, इसे हम आगे भी अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाली जनरेशन तक डिलीवर करें। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है। तो कवि ये मैसेज हमें दे रहे हैं कि ये जो वारसा है, गुरुजी ने जो भी हमें ट्रेडिशन दिया है, उस ट्रेडिशन को हम आगे की जनरेशन तक पहुंचाए। तो चलिए देखते हैं। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा। गुरु ने हमें ज्ञान रूपी व्रत दिया, वसा यानी कि व्रत। आम्ही चालवुहा पुढे वारसा, और ये जो ट्रेडिशन, ये जो ज्ञान रूपी व्रत गुरु ने हमें दिया, इसी ट्रेडिशन को हम आगे भी बढ़ाएं, अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक भी इस मैसेज को पहुंचाएं। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माउली, तुम्ही कल्प वृक्षातड़ी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवड़सा। शिष्य कहते हैं अपने गुरु से कि हे गुरु, आप ही हमारे पिता हैं, बंधु हैं, बंधु ब्रदर, स्नेही जो भी उनसे प्यार करता है, स्नेही यानी कि प्यार करने वाला। तो आप हमारे पिता हैं, फादर, बंधु, ब्रदर, स्नेही यानी कि जो भी प्यार करने वाले, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी, और आप ही हमारे माउली यानी कि मदर, माँ भी आप ही हैं। तुम्ही कल्प वृक्षातड़ी सावली, और आप कल्प वृक्ष की छाया के समान है। कल्प वृक्ष वो पेड़ होता है जो सभी की इच्छा को पूरी करता है, ठीक है, विश फुलफिलिंग ट्री। तो क्या कहते हैं शिष्य कि हे गुरु, आप ही हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान है, जो भी हमें चाहिए होता है आप हमारी सभी मांगों को पूरा करते हैं, और उसी कल्प वृक्ष के नीचे फैली हुई जो छाया है वो भी आपका ही एक रूप है। तुम ही सूर्य आम्हा दिला कवड़सा, आप ही वो सूर्य है, आप ही वो सूर्य है यानी कि आप उस सूर्य के समान है जिन्होंने अपने तेज, कवड़सा यानी कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, तो आपने ही अपने सूर्य की किरणें यानी कि आपका जो ज्ञान था उस ज्ञान की कुछ किरणें हमारे अंदर भी पहुंचाई है। जिथे काल अंकुर विजातले, जहां कल, जहां पर आपने ज्ञान रूपी बीज बोया था, हे गुरु जहां आपने ज्ञान रूपी बीज बोया था वहां सिर्फ अंकुर ही उगे थे, बीच में सिर्फ अंकुर ही आया था, वहीं आज क्या बदलाव आया है। देखिए, वो जो अंकुर था, जो बीज जिसमें अंकुर आया था यानी कि जो बीज स्प्राउट हो चुके थे, आज वो वेली बन चुका है, क्रीपर बन चुका है और उसमें फूल भी आ चुके हैं। साथ ही फलद्रूप हा वृक्ष वहावा तसा, और ये एक ऐसा पेड़ हो जाए जिसमें फलद्रूप, फलों से लदा बदा सा ये एक पेड़ यानी कि ज्ञान रूपी जो बीज
शिष्यों के मन में आपने बोया था, कल उसमें बस अंकुर ही आए थे, लेकिन आज वो ज्ञान एक क्रिपर छोटा सा पौधा और फूल के साथ आया, लेकिन कल वो ज्ञान एक बड़ा वृक्ष बनकर और फलों से लदा बदा, यानी कि सभी जगह ये ज्ञान हम प्रचार प्रसार कराएंगे, इस तरीके का शिष्यों ने अपने गुरु से कहा। सिकु धीरता शूरता वीरता, शिष्य कहते हैं हम अपने जीवन में धैर्य शौर्य और वीरता को ले आए, लेकिन साथ ही क्या कहते हैं आगे देखिए, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता मणि ध्यास हा एक लागो असा, कहते हैं हमारे मन में एक ऐसा ध्यास लग जाए, एक ऐसी आस लग जाए। कैसी आस? देखो लागो असा, किस प्रकार की आस लगाना चाहते हैं कि भले ही थोर यानी कि महान, विद्यावते महान जो विद्या है, यानी कि बहुत बड़े विद्वान बनने के बावजूद भी उनमें उनकी नम्रता हमेशा बनी रहे, पोलाइटनेस हमेशा बनी रहे, इस बात की आस उनके अंदर लगी हुई है। क्यों? हमेशा देखा गया है कि जो पर्सन नॉलेजेबल हो जाता है उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड यानी कि घमंड आ जाता है, मगर ये शिष्य कैसा कह रहे हैं कि भले ही हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाए, हमारी जो नम्रता है वो हमारे अंदर से नहीं जाए, इस प्रकार की प्रार्थना वो गुरु से कर रहे हैं। जरी दुष्ट कोणी करु शासन, गुणी सज्जनांचे करु पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। देखिए शिष्य क्या कहते हैं कि हमारे मन में मनी मानसी, हमारे मन में एक ठसा है, हमारी मन में एक बात है। कैसी बात है? कि जरी दुष्ट कोणी करु शासन, अगर कोई दुष्ट है यानी कि कोई एविल माइंडेड पर्सन है, कोई बुरा कुछ काम कर रहा है, तो हम उस पर शासन करेंगे यानी कि उसे पनिश करेंगे। और कोई गुणी है, कोई सज्जन है, कोई अच्छा इंसान है जिसमें कोई गुण है, कोई क्वालिटी है, तो उसका हम पालन करेंगे यानी कि उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे बुरे लोगों से, कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। तो ये ठसा, ये ऐसी बात वो अपने मन में रखना चाहते हैं। तुझी त्याग सेवा फड़ा, फड़ा ये अशी, आपने जो त्याग किया हे गुरुजी, आपने जो त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, जो सेवा की सेल्फलेसली, मतलब बिना किसी स्वार्थ के आपने बस सेवा की, इस ये आज फड़ा हो गई। फड़ा यानी कि सार्थक हो गई, आपका जो त्याग था, आपकी जो सेवा थी, वो आज सार्थक रूप में बदल गई है, यानी कि इसका आज पूरी तरह से अच्छा रिजल्ट आ चुका है। तो अशी तुझी कीर्ति राहिल दाही दिशा, कि आपने आपके त्याग की और आपकी सेवा की जो कीर्ति है वो दसों दिशाओं तक फैलती रहे। कीर्ति फेम, अगा पुण्यवता भल्या मानसा, आप एक पुण्यवान, अगा आप एक पुण्यवान, दूसरों के लिए जो पुण्य का काम करते हैं, और एक भले व्यक्ति हैं जो समाज में भलाई का काम करते हैं। इस प्रकार से शिष्य अपनी गुरु की प्रशंसा और प्रार्थना करते हैं। तो ये पोयम आई होप आपको पसंद आई हो, और आपके सारे जो भी मीनिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।